आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। प्रूव करना है हमने रूट्स को, जबकि के हमारे पास जो इक्वल नहीं है जीरो, अगर इक्वल जीरो होगा तो वो रियल नंबर नहीं होंगे, ग्रेटर हमारे पास जीरो आएगा तो वो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन ओवर के एक्स प्लस थ्री, ये हम डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए हमारे पास क्या है, वन है। बी हमारे पास क्या है, माइनस टू के प्लस वन ओवर के, एंड सी हमारे पास है थ्री। डिस्क्रिमिनेट फार्मूला हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस टू के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर, ए की वैल्यू हमारे पास वन है, सी हमारे पास थ्री है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा, टू का स्क्वायर लेंगे फोर आ जाएगा, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास ट्वेल्व आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास फोर और ये ट्वेल्व था, इसमें से हमने ए के टर्म में हमने कॉमन निकाल लिया, जबकि हमारे पास ये ट्वेल्व था, फोर थ्री था, हमारे पास ट्वेल्व होता है। के प्लस वन के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, खोलेंगे के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, हमारे पास होता है के से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर हमारे पास प्लस टू और माइनस थ्री बच जाएगा। हमारे पास प्लस फोर के प्लस वन ओवर के माइनस वन हमारे पास बनेगा, क्योंकि टू में से हमने थ्री को माइनस किया तो माइनस वन। ये हमारे पास ग्रेटर इक्वल हिंसा रूट्स आर रियल, अगर ग्रेटर जीरो होगा तो वो रूट्स हमारे पास रियल होगी, अगर जीरो नहीं होगा तो वो रूट्स हमारे पास रियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये भी हमने प्रूव करना है, ये रूट्स जो है वो हमारे पास रियल हैं, डिस्क्रिमिनेट फार्मूले से उसी प्रोसीजर से डिस्क्रिमिनेट फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिस्क्रिमिनेट फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी हमारे पास क्या है, सी माइनस ए हमारे पास है बी माइनस सी, एंड सी हमारे पास है ए माइनस बी के। बी हमारे पास क्या है, सी माइनस ए का हो स्क्वायर माइनस फोर, ए हमारे पास है बी माइनस सी, एंड सी हमारे पास है ए माइनस बी के। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, बी माइनस सी ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया, ये इसका फॉर्मूला हमने ओपन किया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, इसका वैल्यूज मल्टीप्लाई की, बी ए बी हो जाएगा, बी को ए से मल्टीप्लाई किया ए बी, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, माइनस सी को ए सी किया माइनस ए सी, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस बी सी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी टर्म के साथ, फोर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया नेक्स्ट टर्म के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ए स्क्वायर बच गया, हमारे पास सी स्क्वायर है, हमारे पास इसके अलावा और कहीं भी सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, माइनस फोर ए सी हमारे पास है, और ये प्लस टू ए सी हमारे पास, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस टू ए सी आ जाएगा हमारे पास, प्लस टू ए सी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि बड़ी वैल्यू के से जो साइन होता है वो साइन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास माइनस फोर ए बी, माइनस फोर ए बी एज इट इज़ आ जाएगा, इसके अलावा और कोई भी हमारे पास वैल्यूज नहीं है, प्लस फोर बी सी प्लस फोर बी स्क्वायर है हमारे पास, वो भी नीचे आ जाएगा, हमारे पास फोर ए सी हमारे पास ये से सॉल्व हो गया, माइनस टू ए सी बच गया हमारे पास, प्लस टू ए सी बच गया, माइनस फोर बी सी है हमारे पास। नेक्स्ट और ये हमारे पास सेम एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए का होल स्क्वायर, इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस टू बी का होल स्क्वायर सी का होल स्क्वायर, हम इसके रियल फॉर्म में बनाया जा रहा है, यानी कि इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं दो पार्ट्स में। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला बन जाएगा, ए माइनस टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो हमारे पास ग्रेटर जीरो, अगर हमारे पास ये लेस जीरो आ जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं होंगे, अगर ग्रेटर जीरो आएगा तो वो हमारे पास रियल नंबर होंगे।